आत्मसम्मान पे वार कर दो तो बस हो गया काम। एक औरत कितनी लगन और मेहनत से अपनी पहचान बनाती, एक इमेज बनाती, लेकिन उसे बर्बाद करने के लिए बस उस औरत के बारे में चार झूठ बोल दो तो दुनिया यकीन कर लेती है। नहीं, उसी औरत के दामन पे जो दाग लगे हैं उसे साफ करने के लिए हर कदम पे उसे सबूत देना पड़ता है। उसके चरित्र पर वार किया मतलब सीधा सीधा उसके आत्मा पर वार किया। यहां आप सब ने मेरी आत्मा को छीनने की बात कहा है सर, कि आखिर कब तक आप जैसे लोग औरत से ये अग्नि परीक्षा करवाते रहेंगे? क्यों हर बार औरत को इस आग से गुजरकर अपने चरित्र पर जो दाग लगे वो मिटाने होंगे? क्यों बार बार ये साबित करना पड़ता है कि खोट हमारे चरित्र में नहीं, आप लोगों के नजरिए में? क्यों हमेशा औरतों से ही सबूत मांगे जाते हैं? मुझे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।